बहुत गंभीर बात है जिस तरह से लगातार ये खबरें आ रही हैं। एक साधारण नागरिक सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। ये जो प्रशासन में है अपने आगे पीछे 100-100 पुलिस वाले लेके घूमते हैं, ये तो सुरक्षित रहते हैं, लेकिन एक साधारण नागरिक की सुरक्षा कौन करेगा? जिन पुलिस वालों को साधारण नागरिक की सुरक्षा करनी चाहिए उनको आदेश दिए जाते हैं कि अपराध को दबा के रखा जाए, किस तरह से जनता को गुमराह करा जाए। ये राजस्थान के अंदर पूरा का पूरा जो प्रशासन है वो चरमरा गया है, खत्म हो गया है। सर, कलेक्टर की भूमिका तो आपको आपत्ति है, आप बता रहे कि वो कांग्रेस के ही आदमी है, उनका आदेश मान रहे हैं। सरासर कांग्रेस के जो ये कलेक्टर थे कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे, पूरी जनता जानती है, अखबारों के अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है। ये ऐसा लग रहा था मानो कि जयपुर ग्रामीण के अंदर दो दो कैंडिडेट हमारे सामने है, एक प्रशासन के अंदर रहकर प्रशासन को हमारे खिलाफ चला रहे थे और दूसरे कैंडिडेट हमारे सामने लड़ रहे थे। ये कांग्रेस का तरीका होता है कि लोकतंत्र के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कब्जा कर लेना, उन इंस्टीट्यूशंस को अपने पार्टी के हिसाब से चलाना, ये तो कांग्रेस का पुराना तरीका रहा है। आज हमें देखने को भी मिला है, आज जब कलेक्टर को यहाँ पर उपस्थित रहना चाहिए था, हमने लिखित में उनसे अनुमति ली थी ज्ञापन देने की, इतने बड़े बड़े जनप्रतिनिधि यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन जनप्रतिनिधियों का अपमान करते हुए कलेक्टर यहाँ पर उपस्थित नहीं रहे। या तो घबरा गए, जनता के डर से घबरा गए, या फिर जिस तरह से उन्हें आदेश दिए होंगे कि आप यहाँ पर अनुपस्थित रहे, प्रशासन जहाँ रहना चाहिए वहां पर है नहीं। राजस्थान के अंदर कलेक्टर यहाँ पर अनुपस्थित है वो भी एक उदाहरण है, पुलिस जहाँ होनी चाहिए वहां नहीं होती वो भी एक उदाहरण है। आम जनता इसके अंदर पिसती जा रही है, आम जनता की रक्षा करने के लिए कौन आएगा? अब प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बारे में कुछ करना पड़ेगा।